नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। देवगुली गांव में विकास कार्य अच्छा हुआ। श्याम बहादुर सिंह प्रधान प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बेरुआरवारी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम स्व सुल्तानपुर गांव के श्याम बहादुर सिंह प्रधान प्रतिनिधि से मीडिया ने गांव के विकास कार्यों के बारे में पूछा तो यह जानकारी दी कि हमारे कार्यकाल में सड़क, नाली, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन आदि विकास कार्य हुए हैं। श्याम बहादुर सिंह प्रधान प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस पर अच्छी पहल कर रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह प्रधान प्रतिनिधि की खुद सुनिए जुबानी। तो मैं श्याम बहादुर सिंह, पूर्वाध्यक्ष जिला पंचायत बलिया, और इस समय मेरी पत्नी गांव सभा की प्रधान है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके ग्राम सभा में 5 सालों में किस तरह के विकास काम हुए हैं? विकास का काम तो दिखाई देता ही है। जब विकास का काम होगा तो निश्चित रूप से आज के जमाने में इतना पारदर्शिता है कि हर चीज जो है सामने दिखाई देने लगता है। कुछ नहीं मिलेगा तो वैसा जो है कि वहां से कहीं से भी देखा जा सकता है। तो मेरे यहाँ जो है संपूर्ण काम हुआ है, जो निश्चित रूप से एक उदाहरण स्वरूप है इस इलाके में। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ग्राम सभा पंचायत भवन के निर्माण है? पंचायत भवन मेरे यहाँ पहले नहीं था, इस समय उसका कार्य सम्पन्न हो रहा है और नींव से ऊपर जो है वो कार्य जा रहा है। सामुदायिक शौचालय? सामुदायिक शौचालय जो है हमारे यहाँ उसका कायाकल्प हुआ। पहले से 2 सीट के 2-2 जगह ऐसे बने हुए थे, और तो व्यक्तिगत हमारे यहाँ बहुत शौचालय बना है। छोटा सा गांव होने के बावजूद भी 400 के लगभग जो है शौचालय व्यक्तिगत रूप में बने हैं, और सामुदायिक शौचालय के 2 सीट के 2-2 जगह 3-3 जगह रहा जिसका जो है कायाकल्प सम्पन्न हुआ। 2011 कौन सा कितने शौचालय आवास कितने बने हैं? 2011 आवास अनुसार क्या 2011 के अनुसार आवास कितने बने हैं? 2011 की जो सूची रही है आवास की, हाँ, वो संपूर्ण बन चुकी है। कितनी आई थी जो लगभग? और हमको लगभग उम्मीद है कि 50-60 हो। नई सूची कितना गई है? नई सूची करीब 89 थे। कुछ इसमें कटे भी हैं? कटे हुए शेष कटने के बाद, कटे हुए तो 155 गया था। हाँ, 155 सूची गांव ने रजिस्ट्रेशन कराया था लोगों ने, और उसमें से हमको उम्मीद है कि 89 के करीब शायद, या अभी हम लोगों की वो सूची मिली नहीं है। लेकिन कुछ पात्र भी कटे हैं क्या? क्या कुछ पात्र नहीं कटे? पात्र नहीं कटे जी। तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में कुछ चीज रह गया है जो शौचालय नहीं बन पाया, आवास नहीं बन पाया उसके बाद? शौचालय तो बहुत तेरे को बन गया है, और फिर भी जो कुछ छूटे हुए लोग हैं, शासन की तरफ से आया हुआ है कि जो छूटे हुए लोग बचे हैं उनका भी जो MIS कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ 10-15 थे ऐसे लोग बचे हैं जिनका शौचालय में हो जाएगा। आवास का जहाँ तक सवाल है तो आवास तो यह कार्य बहुत बड़ा है, और संपूर्ण लोग आवास से जो है आच्छादित नहीं हो सकते। निश्चित रूप में कुछ लोग कहीं ना कहीं छूटे रहते हैं। जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में क्या सोलर लाइट, कुर्सी वो सब लगी है? कुर्सी लगी है, सोलर लाइट नहीं लगा है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, मनरेगा का अनुसार काम हुआ था? मनरेगा का अंदर बहुत अच्छा काम हुआ था। हमारी राष्ट्रीय टीम आई थी केंद्रीय जांच के लिए, जो होता है प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के अंदर जो बात जो है गाँव में जाती है, वहाँ लोग आए हुए थे। उन्होंने बड़ा जाकर के लोगों ने काम को देखने का भी काम किया, ऑन स्पॉट, चाहे शौचालय रहे, क्या नाम है, आवास रहा हो या मनरेगा का काम रहा या 14वां 15वां वित्त का काम रहा, और उन्होंने ये कहना नहीं चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि प्रधान जी बहुत आपके यहाँ अच्छा काम हुआ। जी, कुछ काम ऐसे भी होते जो कार्य योजना का देने के बावजूद भी काम नहीं हो पाता है? ये तो एकदम संभव है, इसमें 100% है। ये छोड़े है कि कार्य योजना हमने दे दिया 1 करोड़ का काम हो जाएगा, जो पैसा आएगा प्राथमिकता के अनुसार से होता है। ऐसे लोग बहुत गांव में हैं, जो लोग अगर यह जो विरोधी लोग हैं जिनके, हमारे गांव की बात नहीं कर रहा, मेरे यहाँ कोई विरोधी नहीं है, दूसरे गांव की बात कहता हूँ, तो कार्य योजना के देख लेते हैं कि इतना का कार्य योजना गया, इतना पैसा आ गया, लूट खसूट हुआ। ऐसी बात नहीं है, कार्य योजना दिया जाता है और जब प्राथमिकता के अनुसार शासन द्वारा धन स्वीकृत होता है उसको जो कराया जाता है। समझदारी लोगों की नहीं होती। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में कुछ ऐसे शेष रह गए जो काम ना हो पाया हो? हाँ, आप चाहते भी हो तभी नहीं हो पाया हो? तो ऐसा बहुत सा काम है अभी। जी, क्या इसलिए धन अभाव के कारण है ऐसा? जी, क्या काम रह गया था? अरे काम करने के लिए मान लीजिए कि काम जो है अभी तो इस समय 2 वर्षों से इतना पानी हुआ है, इतना बरसात का पानी हुआ है कि गांव में पानी का निकास
असंभव हो गया है, संभव नहीं है। और उसमें जो है लोग जो है जो बरसात के समय आज तक जो है खेत के जो है जो करीब करीब गांव के हैं वो उसी तरह से जो नमी पड़ी हुई है, इसमें पानी का निकास का काम है। बहुत जगह जो है रास्ते हैं, रास्ते तो बहुत बन चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं है ऐसा। नालिया भी शेष है कुछ, संपूर्ण लोगों की नहीं लेकिन बहुत बना है मेरे यहाँ 5 वर्षों के अंतर्गत जितना बना है अगर उसका अवलोकन किया जाए तो बहुत बना है। जी सामान्य क्या बजे कितनी होगी आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ कुल आबादी जो है 2011 के अनुसार 2793 की थी जनसंख्या, जो 2011 में चुनाव जिस पर संपन्न हुआ था आज से 5 वर्ष पहले जो पंचायत का चुनाव हुआ था। अब उस रेशियो से जो लगाते हैं लगभग 2% प्रतिवर्ष बढ़ता है, वही बढ़ा होगा और क्या। जी जी, आप कुछ समाज चैनल के द्वारा संदेश देंगे आज की जो दौर चल रहा है ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर? ग्राम पंचायतों का चुनाव या MLA का चुनाव चाहे किसी का चुनाव हो, चुनाव बड़ा ही इस समय का लोगों में नैतिक इतना पतन हो गया है कि लोग जो है चाहे कितना हो काम करा लो, कोई करावे, MLA करावे, MP करावे, प्रधान करावे, जिलाध्यक्ष करावे, जिला पंचायत का प्रमुख कराए, उस काम का अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि कामों को परख कर वोट जो है इस जमाने में इस वक्त जो है नहीं दिया जाता है। इस समय लोगों को दूसरी स्थिति हो गई है, अब उसको बात को मैं नहीं कह सकता आप लोगों के साथ। जी जी, 30 बार जो ग्राम पंचायतों को चुनाव होने वाला है तो क्या इसको लेकर किस तरह से माहौल गांव में बन रहा है? जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार तमाम तरह के एप्लीकेशन पढ़ने हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे ऐसे गांव पंचायतों में लोग जो उनके विरोधी प्रधान जो हैं, उनके विरोधी लड़ने वाले उम्मीदवार भावी उम्मीदवार हैं, वह नाहक में, या मान सकता हूं कि सही भी होगा लेकिन नाहक में भी वो उन्हें डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि हर काम को स्थिति को देख करके काम करे, ये नहीं कि किसी बात पर किसी का जो है जांच बैठा देना, ये करना उसकी उन व्यक्ति को जो चुने हुए प्रतिनिधि को उनका हरासमेंट करना होता है। इससे अगर ये स्थिति पैदा होती है, अगर सच न हो तो बयान हल्फी लगाकर ऐसा काम कराए लोग की, अगर पनिशमेंट दिया जाए जो आरोप लगा रहा है, अगर सही आरोप नहीं होता है तो उसको भी तो कुछ दंड होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।